टी20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में भारत की शानदार जीत, कोहली की और हार्दिक पांड्या की शतकीय साझेदारी से भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर कैप्टन रोहित शर्मा ने विराट और पांड्या की जमकर की तारीफ, कहा नहीं थी जीत की उम्मीद। विराट की पारी पर पत्नी अनुष्का का इमोशनल पोस्ट, कहा मेरी जिंदगी का बेहतरीन मैच। टीम इंडिया की विराट जीत पर भारत से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जश्न का माहौल, हार के सदमे में डूबा पाकिस्तान। टीम इंडिया की शानदार जीत से झूम उठे फैंस, नाच गाकर आतिशबाजी कर जीत की दिवाली का जश्न। पीएम नरेंद्र मोदी, सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली, आज करगिल के द्वार से जा सकते हैं पीएम मोदी। लगातार 8 सालों से सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी। हर साल अलग अलग जगहों पर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के साथ रहने से बढ़ता है जवानों का हौसला। पुंछ में एलओसी पर सेना के जवानों की दिवाली, आखिरी पोस्ट पीर पंजाल में जवानों ने मनाई दिवाली। जम्मू में आरएस बुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों की दिवाली, ड्यूटी पर तैनात जवानों ने मनाई है दिवाली। साल भर अंधेरे में रहने वाले बंकरों पर जले दीप, 10,000 फीट की ऊंचाई पर लगे भारत माता की जय के नारे। अयोध्या से पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कभी राम के अस्तित्व पर उठते थे सवाल, हमने हीन भावना की बेड़िया तोड़ी है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भव्य आयोजन किया गया, सरयू तट पर दिखाया गया लेजर शो। अयोध्या में लेजर शो में रामायण की झलकियां दिखाई गई, हजारों की संख्या में श्रद्धालु सरयू घाट पर पहुंचे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में लेजर शो देखा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। सरयू घाट पर लेजर शो ने जगमगाई राम की नगरी, लेजर शो का दिखा भव्य नजारा। दिवाली के मौके पर अयोध्या में हुई जमकर आतिशबाजी, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। अयोध्या में 17 लाख दिए जलाकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने सीएम योगी की पीठ थपथपाई, सर्टिफिकेट मिलने पर दी बधाई। पश्चिम बंगाल में चक्रवात सितरंग को लेकर अलर्ट जारी, बंगाल के 7 जिलों में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात, उड़ीसा में भी खतरा। कर्नाटक में मुंबई सरकार के मंत्री ने जमीन का पट्टा मांगने पर महिला को मारा थप्पड़, राजनीतिक टूट पकड़ने के बाद महिला ने कहा मुझे नहीं मारा गया थप्पड़। गुजरात में 25% विधायकों का टिकट काट सकती है बीजेपी, सूत्र के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देने का फैसला। झारखंड के चाईबासा गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल, मामले में अब अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा आरपीएफ जवानों की दिलेरी, चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला यात्री की बचाई जान। बिहार के छपरा में बालू लेकर जा रही नाव गंगा में डूबी, नाव पर सवार करीब 2 दर्जन मजदूरों ने तैरकर बचाई अपनी जान, 2 मजदूर अभी भी लापता। बिहार के मुजफ्फरपुर में कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत, मौत से गुस्साए लोगों ने थाने पर जमकर किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 50 बारातियों से भरी बस में लगी आग, समय रहते सभी यात्रियों को बस से निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बड़ा सड़क हादसा, कंटेनर और कार की जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के चंदौली में शॉर्ट सर्किट से कच्चे मकान में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। नोएडा में पुलिस और साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, ठगी करने वाले 9 शातिर ठगों को किया गया गिरफ्तार, इंश्योरेंस देने का झांसा देकर लोगों से करते थे ठगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी में के पहिए पटरी से उतरने से 29 डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार टेम्पो बेकाबू होकर पलटी, ऑटो में सवार होकर आधा दर्जन यात्री घायल, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के जालौन में खनन माफियाओं का आतंक देखने को मिला, तलाशी अभियान में जुटे एसडीएम और चौकी प्रभारी की गाड़ी को ट्रक से भारी टक्कर, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी बाल बाल बचे। दिवाली पर मेरठ में वन विभाग का ऑपरेशन उल्लू, उल्लू को बलि चढ़ाने से रोकने की मुहिम, उल्लू पकड़ने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मामूली विवाद में चले लाठी डंडे, घर के बाहर सो रहे लोगों से मारपीट का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शिक्षक पर छात्रा को बेरहमी से पीटने का आरोप, घायल छात्रा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सपा सांसद शफीकुर रहमान पर का बीजेपी पर निशाना, भारत में आतंकवाद के लिए बीजेपी को चढ़ाया जिम्मेदार, का आतंकवाद रोकने के लिए बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मऊ में ऑपरेशन प्रहार के तहत अंसारी बंधुओं पर बड़ा एक्शन। मुख्तार अंसारी की मां और दो बेटों को करोड़ों की संपत्ति की गई कुर्क। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चे को तालिबानी सजा मिली। बिजली के पोल में हाथ पैर बांधकर पीटा मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में पटाखों पर पूरी तरह से बैन। ग्रामीण इलाकों में रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति। ग्वालियर शहर के सड़कों पर लेकर एक्शन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। नगर निगम के अधिकारियों की लगाई क्लास। जल्द से जल्द सड़क बनाने के लिए निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की भीष्म प्रतिज्ञा। ग्वालियर की सड़क बनने तक जूता चप्पल पहनने से इनकार। मध्य प्रदेश के सीधी में गरीबों के निवाले पर डाका। पुलिस ने जब्त की राशन की बोरियां। सेल्समैन पर राशन बेचने के लगे आरोप। उज्जैन में प्रॉपर्टी विवाद में 22 साल के भतीजे को चाची ने पिलाया तेजाब। इलाके के इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के लगे आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टा। पुलिस 3 सितौरिया किए गिरफ्तार। बैंक खाता खुलवाकर करा रहे थे सट्टा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टला बड़ा हादसा। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में लगी आग। हादसे के वक्त ट्रैफिक TI भी गाड़ी में बैठे हुए थे। ग्वालियर में पटाखा मार्केट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जल्द ही आग पर पाया गया काबू। जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के धार में अवैध नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैस कंटेनर से अवैध शराब बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा जवानों को मिली कामयाबी। जंगल में प्लांट किया गया ED बरामद। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था बम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे ऋषि सुनक। बोरिस जॉनसन हटे पीछे। जीत के बेहद करीब ऋषि सुनक ने कहा। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनका मकसद। शी जिनपिंग की टॉप लीडरशिप में एक भी महिला नहीं। खास लोगों को मिली CCP पोलित ब्यूरो में जगह।